सुजानपुर पंचायत समिति पर भाजपा ने कब्जा किया है। सुजानपुर में पंचायत समिति में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अंजना ठाकुर विजयी रही, वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार ने जीत हासिल की है। पंचायत समिति के चुनाव में अध्यक्ष को 9 मत प्राप्त हुए, जबकि उपाध्यक्ष को 8 मत हासिल हुए। एसडीएम शिल्पी बेगटा की अध्यक्षता में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चुनाव करवाया गया। आपको बता दें कि भाजपा पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अंजना ठाकुर और उपाध्यक्ष पद के लिए राजेश कुमार ने नामांकन किया था, जबकि इनके मुकाबले में दूसरी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए ममता कुमारी और उपाध्यक्ष पद के लिए रविंद्र कुमार ने नामांकन किया था। मतदान प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरी अंजना ठाकुर को 9 मत जबकि ममता कुमारी को 6 मत पड़े। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मैदान में उतरे राजेश को 8 और रविंद्र को 7 मत पड़े हैं। उपमंडल एवं निर्वाचन अधिकारी ने अंजना ठाकुर को अध्यक्ष और राजेश कुमार को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। वहीं पंचायत समिति सुजानपुर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंजना ठाकुर ने अपनी जीत के लिए अपने पक्ष में वोट करने वाले सभी सदस्यों और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आभार जताया है। अध्यक्ष पद की ताजपोशी का सबसे बड़ा श्रेय तो मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हमारे दो बार के मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी का, उनको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और रही संदेश की बात, तो संदेश लोगों के बीच में यही लेकर जाएंगे, जो हमारे भारत सरकार की योजनाएं, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाएं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और जितने भी हमारे बीडीसी सदस्य यहाँ पर चुन के आए हैं उनको हम साथ में लेके चलेंगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। पार्टी एक तरफ है और विकास के काम दूसरी तरफ है, तो लोगों के बीच में यही संदेश लेके जाएंगे कि हमारे माननीय मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और माननीय जयराम जी की सरकार के भी जो बहुत ही अच्छी जो नीतियाँ चली हुई हैं, हर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचा है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। नवनिर्वाचित पंचायत समिति के उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि वे पहली बार जीत कर आए हैं। वे जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सुजानपुर का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। श्रेय तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और धूमल साहब को जाता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ और पहले भी सेवा ही करता था और तन मन धन से सेवा करूँगा, और जो भी हमारी लाइफ सेवा होगी हम पब्लिक तक पहुँचाएँगे उसको, यही हमारा एक बेड़ा है और हम चाहते हैं इसमें हम कामयाब भी होंगे आने वाले दिनों में।